केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 10। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या है। अल्काइल ग्रुप जो आपके पास है ये बेसिकली अल्केन से डिराइव हुआ है, और अल्केन्स वो होते हैं जिनमें सारे के सारे आपके पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे बॉन्ड्स आपके पास सिंगल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक अल्केन बनाया मैंने जो कि इन पर्टिकुलर ब्यूटेन है क्योंकि इसमें चार कार्बन एटम्स हैं। अब अगर आप इस अल्केन के साथ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ठीक है, तो एक यहाँ से चेन एक्सटेंड हो जाएगी बाहर की तरफ, और ये जो पूरा का पूरा अब ग्रुप है इसको हम ब्यूटाइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये एक अल्काइल ग्रुप की एग्जाम्पल है। तो एक आपके पास अल्काइल ग्रुप के आगे अगर आप हेलोजन को कनेक्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप हेलोजन इसके साथ लगा दो, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन या आयोडीन या चारों हेलोजन में से कोई भी आप वही अटैच कर दो, तो ये फिर स्ट्रक्चर आपका अल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास बनता है आर एक्स, वेयर एक्स इज अ हेलोजन एंड आर इज अ अल्काइल ग्रुप। तो यहां तक बात के बाद में अब हम चलते हैं अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये बहुत ही सिंपल कंपाउंड्स हैं। इससे पहले भी लास्ट चैप्टर नंबर 8 के अंदर और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम काफ़ी बात कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपने नहीं सुने सारे लेक्चर्स तो आप पहले वो सुनो, तो आपको काफ़ी हद तक अल्काइल हैलाइड्स पहले से ही समझ आ चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ों पर अपना फोकस रखेंगे, एक क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड्स की और सेकेंडली नॉमेनक्लेचर और साथ में इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। क्लासिफिकेशन जो आपकी होती है ना अल्काइल हैलाइड्स की, वो इस बेसिस पे होती है कि लेट्स से आप मैं एक अल्काइल हैलाइड बनाता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर बाकी सारे आपके पास बाकी हर लोकेशन के ऊपर एक एक एच लगा हुआ है, मतलब जो जितने एच बच जाते हैं, जितने बॉन्ड्स बच जाते हैं उन बॉन्ड्स को आप हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर दो। ये आपके पास एक कंपाउंड बना हुआ है जो कि अल्केन है। ठीक है, अब इस अल्केन में मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर आप कोई हैलाइड ग्रुप लगा सकते हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि लेट्स से मैं इधर कॉर्नर पे एक लगा देता हूँ, और इस कॉर्नर पे यहाँ पे मैं एक लेट्स से क्लोराइड लगा देता हूँ। ठीक है, और ये जो अब मैंने बनाया है इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरा जो क्लोरीन एटम है ये जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो ये वाला कार्बन एटम है जिसको अभी मैंने ब्लू से मार्क किया। ठीक है, ये जिसको मैंने अभी ब्लू से मार्क किया था ना ये ऐसा कार्बन एटम है जो फर्दर एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है सिंपली। ठीक है, और ऐसे कार्बन एटम्स जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी कार्बन लोकेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल था कि अगर मैं क्लोरीन को यहां पर ना अटैच करता, यहां पे मैं हाइड्रोजन ही लगा रहने दे देता, और मैं क्या करता कि लेट्स से इस लोकेशन के ऊपर एक क्लोरीन को लाके लगा देता। अब अगर यहां पे आके आपके पास क्लोरीन अटैच हो जाता है तो क्लोरीन कौन से वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है? इस वाले के साथ जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया, और जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया वो कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है? दो के साथ, एक ये और एक ये। तो आपका बेसिकली अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपका जो कार्बन एटम्स अगर दो फर्दर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम, और उस सेकेंडरी कार्बन लोकेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के हैलाइड को फिर हम सेकेंडरी हैलाइड कहलाते हैं, कहलाता है इस तरह का हैलाइड। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आपका कोई ऐसा कार्बन एटम जो फर्दर तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है इस कंपाउंड के अंदर? यस, इसके अंदर एक लोकेशन ऐसी बन रही है। कौन सी लोकेशन? ये वाली लोकेशन, ये वाली। ठीक है, अब इस लोकेशन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और यहां पे अगर मैं एक हैलोजन ग्रुप लगा दूं, लेट्स से ब्रोमीन लगा दूं, तो अब आप देखो कि जो ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो ये वाला कार्बन है, और ये वाला कार्बन फर्दर एक दो तीन बॉन्ड्स बना रहे हैं मजीद कार्बन के साथ। ठीक है, हम हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं गिन रहे, हम कार्बन के बॉन्ड्स गिन रहे हैं। तो मजीद चूंकि ये तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन एटम को हम बोलते हैं
टर्शरी कार्बन एटम या टर्शरी लोकेशन, और इस तरह के हेलाइड को हम बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने भी आपको क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया कि आपके तीन किस्म के हेलाइड्स हो सकते हैं। प्राइमरी कार्बन के ऊपर अगर लगा हुआ है हेलोजन एटम, हेलोजन ग्रुप, तो फिर हम उसको प्राइमरी हेलाइड बोलते हैं, या सेकेंडरी हेलाइड या टर्शरी हेलाइड। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में अल्काइल हेलाइड्स के। अब चूंकि आप देख चुके हो कि अल्काइल हेलाइड्स में सबसे जो मेजर चीज है वो तो अल्काइल ग्रुप है ना, हेलाइड तो उसका सिंपली एक साथ हेलोजन या दो हेलोजन ग्रुप्स लगे होंगे, मैक्सिमम कुछ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप्स होंगे। तो जो अल्केन्स का नॉमनक्लेचर आपने पढ़ा था ना, अल्केन्स का, आप वही वाला नॉमनक्लेचर फॉलो करोगे अल्काइल हेलाइड्स के लिए भी। ठीक है, और मैं थोड़े से आपको स्टेप्स रिवाइज करवा देता हूँ, और कुछ स्टेप्स में थोड़ी सी चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी इसका नॉमनक्लेचर एग्जैक्टली वही है जो अल्केन्स का होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास नॉमनक्लेचर में, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और अल्केन्स के केस में आप क्या ये करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इस तरह का अल्केन है, लेट से एक इस तरह का हाइड्रोकार्बन है, यहां पे दो और नीचे एक सीएल। अब आपने नंबरिंग करनी है और सबसे लंबी चेन आइडेंटिफाई करनी है, तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरी आपके पास चेन है ना, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी चेन के अंदर, ये जो अभी ड्रॉ हुई हुई थी, इसके अंदर क्लोरीन तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो आपने चेंज करना है ना, वो तो आपने ये करना है कि जो सबसे लंबी चेन आप ले रहे हो उसके अंदर क्लोरीन भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप उसको नाम दे सकोगे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो अब क्लोरीन समेत अगर मैं चेन देखूं तो मेरी ये वाली चेन जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ठीक है, और इसमें मेरे पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो मेरा लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन जिसको हम बोलते हैं, वो 6 कार्बन एटम्स के साथ है, और वो बेसिकली एक हेक्सेन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वो अल्केन आइडेंटिफाई करना होता है जिसके ऊपर आपका क्लोरीन एटम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपके पास होता है नंबर द पेरेंट चेन। अब इसकी आपने नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, इससे पहले जो आपको रूल बताया गया था ना नंबरिंग का, वो ये था कि आपके पास लेट से ये एक चेन है जो सबसे लंबी है, और अगर यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर आप नंबरिंग कुछ ऐसे करोगे कि इस उस जिस भी साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, इस तरीके से करनी है कि इस CH3 को छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो CH3 को छोटा इस सूरत में मिलेगा अगर इसको आप 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 दो। ठीक है, अब आपका फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि अब आपके पास एक लेट से इस लोकेशन के ऊपर एक सीएल लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं नंबरिंग वही वाली रहने दूं तो क्लोरो को क्या नंबर मिल रहा है, क्लोरो को 4 लोकेशन मिल रही है। ठीक है, और अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6, तो क्लोरो को 3 लोकेशन मिल रही है। ठीक है, तो आपने करना यह होता है कि जो हेलोजन ग्रुप होता है ना, नंबर द पेरेंट चेन इस तरीके से कि हेलोजन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, जो ऑलमोस्ट वही है आपके पास, बस इस दफा आपने फंक्शनल ग्रुप का ख्याल रखना है कि इससे पहले आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स होते थे वो सिंपली इथाइल होते थे, मिथाइल होते थे, प्रोपाइल होते थे, अब आपके पास हेलाइड ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में आ गया। थर्ड सिचुएशन जो आपके पास है वो है मल्टीपल सब्सिट्यूएंट्स की, और सब्सिट्यूएंट्स आपके पास जो जिनको मैं कह रहा हूं वो आपके पास ये चाइल्ड ग्रुप्स हैं, लाइक ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब अगर आपके पास लेट से के दो दफा ब्रोमो लगा हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा डाई ब्रोमो। ठीक है, अगर 3 दफा लगा हुआ है तो इसको मैं बोलूंगा ट्राई। ठीक है, अगर 4 दफा लिखा हुआ है तो ट्राई
टेट्रा, ठीक है, और फिर पेंटा एंड हेक्सा, और इस काउंटिंग को हम फॉलो करते हैं अगर मल्टीपल सब्सिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक और मल्टीपल सब्सिट्यूएंट्स का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सिट्यूएंट्स हैं तो फिर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी ख्याल रखना होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर से मेरी क्या मुराद है, लेट से आपके ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसी को मैं अगर नंबर करना चाहता हूँ, इस वाले कंपाउंड को, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या रखा जाए। सबसे पहले तो देखें कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, तो एंड पे तो मैं हेक्सेन लिखूंगा, ठीक है। इसमें नंबरिंग मैं नीचे वाली फॉलो करूंगा बिकॉज इसमें क्लोरीन को छोटा वाला नंबर मिल रहा है नीचे वाली नंबरिंग से। आपके पास 3 लोकेशन पे क्लोरो है, 3 पे एक क्लोरो लगा हुआ है और 4 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन लिखूं या 4 मिथाइल 3 क्लोरो हेक्सेन लिखूं, ठीक है, हमने करना यह होता है कि हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलना होता है। क्लोरो चूंकि पहले सी पहले आता है एम बाद में आता है, तो मैं यूं लिखूंगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, तो यूं करके इसका मैं नाम लिख दूंगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी ख्याल रखना है, ठीक है। सो दैट इज इट, मतलब इसमें और कोई स्पेशल रूल्स नहीं है जो अल्काइल हैलाइड्स के नॉमेनक्लेचर के हों। अब लेक्चर खत्म करने से पहले हम बेसिकली कुछ मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अल्काइल हैलाइड्स में आपको नाम देने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो लास्ट चैप्टर था वो खत्म किया है, तो लेट्स सी सम अल्काइल हैलाइड्स जिसमें एरोमेटिक या फिनाइल ग्रुप जिसको हम बोलते थे, फिनाइल ग्रुप, जो आपके पास बेंजीन रिंग होता है और यूं करके ये आपके पास फिनाइल ग्रुप कहलाता है। तो फिनाइल ग्रुप अगर कहीं लगा हुआ हो तो उसको फिर आपने कैसे नंबरिंग करनी है, हम इस तरह की एक दो एग्जांपल्स भी आज देख लेंगे। लेट से आपके पास एक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात C2H5 होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज बॉन्डेड विद Cl। ये आपके पास एक कंपाउंड है और इसको आपने नाम देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं। ये जो C2H5 आपके पास यूं लिखा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब ये C2H5 होल ट्वाइस का मतलब है इस कार्बन एटम के साथ बेसिकली C2H5 लगा हुआ है, तो यानी ये जो ग्रीन से मैंने कार्बन लिखा है ना, इसके एक तरफ एक C2H5 लगा हुआ है, ठीक है। और C2H5 आपके पास क्या होता है, CH2 CH3, ठीक है, और इसके दूसरी तरफ एक और C2H5 लगा हुआ है CH2 CH3, और इसके एक तरफ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और आगे इससे एक चेन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, और CH3 और इस लोकेशन पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको तरीका बताया था आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे लंबी चेन जो इस केस में मुझे नजर आ रही है वो ये वाली चेन नजर आ रही है, ठीक है, ये आपके पास एक चेन होगी। और इस चेन की अब आपने नंबरिंग करनी है इस तरीके से कि अब देखो क्लोरीन को छोटा नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग कर लिया आपने, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद आपने ये देखना है कि इसका नाम क्या रखा जाए। हेक्सेन इसका नाम होगा इस कंपाउंड का, ठीक है, और इसमें 2 लोकेशन पे एक क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 2 क्लोरो, बिकॉज सी पहले आता है और ई बाद में आता है। यहाँ पे आपके पास एक इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है C2H5, 2 क्लोरो 4 लोकेशन पे एक इथाइल है, -4 क्लोरो, ठीक है, और आगे सिंपल हेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरो 4 सॉरी, ये 4 क्लोरो लिख दिया मैंने, 4 इथाइल हेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। हम कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आज करेंगे ताकि बिल्कुल आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नॉमेनक्लेचर के हवाले से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास एक है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करके लिखो तो आपके पास ये इस तरह की सिचुएशन है कि एक कार्बन के साथ तीनों तरफ को मिथाइल यूं लगे हुए हैं और आगे CH2, और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा H H और साथ एक Cl, ठीक है। तो सबसे लंबी चेन आपने कार्बन की आइडेंटिफाई करनी है, तो
बड़ी सिंपल है इस केस में, तो आपको सोचने की इतनी खास जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी आप ले सकते हो, ये ले लो या वो नीचे की तरफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही नंबरिंग होगी। तो क्लोरीन इस तरफ से सबसे करीब है, तो 1, 2, 3। ये आपके पास एक प्रोपेन है जिसमें 1 लोकेशन पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, 1 क्लोरो, ठीक है, 2 लोकेशन पे 2 दफा मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, ये इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। तो इसके अलावा हम और प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। हम देखते हैं CH3 होल ट्वाइस, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH विद C2H5 एंड CH2Cl, ठीक है। देखिए इस कंपाउंड को ना ड्रॉ करना, इसके स्ट्रक्चर को ठीक तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये CH3 होल ट्वाइस C लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये है कि ये कार्बन है जिसके ऊपर नीचे मिथाइल है, और ये वाला H तो इसके साथ वैसे है ही ना, और आगे यहां से चेन चल रही है फिर CH2, और फिर आगे एक, अब यहां से आगे अगेन इंपॉर्टेंट है, देखो CH लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब एक कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और उसी कार्बन के साथ एक C2H5 लगा हुआ है। C2H5 मतलब CH2H5 को मैं खोल के लिख देता हूँ, CH2CH3, ठीक है, एक C2H5 उसके साथ लगा हुआ है, और उसी कार्बन एटम के साथ एक और CH2 भी लगा हुआ है, CH2 भी लगा हुआ है, ठीक है, और CH2 बेसिकली आपके पास ऊपर नीचे इसके H लगा हुआ है, और आगे उसके आगे एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये इसको एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर आइडेंटिफाई करनी है। लॉन्गेस्ट चेन आपने आइडेंटिफाई करनी है, इसी इसका ख्याल रखते हुए कि उसके अंदर क्लोरीन भी आ जाए, ठीक है। क्लोरीन अगर नहीं आएगा तो फिर आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन, आप देखो कौन सी बन रही है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो फिर ये दूसरी होगी, वो फिर यूं हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से लॉन्गेस्ट चेन वाला फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और थोड़ी छोटी चेन ले ली जिसमें क्लोरीन भी लगा हुआ। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करूंगा, 5, यू नंबरिंग कर दी मैंने, ठीक है। ये आपके पास एक पेंटेन है जिसके पास, जिसमें 1 लोकेशन पे क्लोरो लगा हुआ है, 1 क्लोरो, ठीक है, और आपके पास 2 लोकेशन पे एक इथाइल लगा हुआ है, और 4 लोकेशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। 2 पे एक इथाइल लगा हुआ है, तो मैं इथाइल ई पहले आता है इस वजह से मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, 2 इथाइल, और इन सारों को हाइफन से सेपरेट, जब भी कोई लेटर और कोई नंबर साथ आए तो उसको हाइफन लगाते हैं, ठीक है, और 4 मिथाइल, और ये बेसिकली आपके पास पेंटेन था, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद हम एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इट्स आपको गिवन है CH3 होल ट्वाइस C सिंगल बॉन्ड CL विथ C सिंगल बॉन्ड CL एंड विथ CH3 होल ट्वाइस। सबसे पहले मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूंगा, एक्सपैंड करके ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन है जिसके ऊपर एक तरफ को CH3 लगा हुआ है, एक और CH3 भी इसी के साथ लगा हुआ है जिसके नीचे एक Cl है, ठीक है। इधर एक कार्बन है, इसके नीचे एक Cl है, इधर एक CH3 है और ऊपर भी एक CH3 है, ठीक है। तो अब मैंने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें काफी सारी की जा सकती हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में इसको फिलहाल ले लेता हूँ क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर यूं करके भी लोगे तो वो 2 2 लोकेशन पे 2 मिथाइल्स लगे होंगे, और अगर मैं यूं करके लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी चेन से वही रिजल्ट सील्ड करेगा, आप करके देख सकते हो। अब आप देखो कि जिस मर्जी साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो, ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो 1 2 3 4, ठीक है, आपके पास 2 और 3 पे क्लोरो ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2,3 डाई क्लोरो, ठीक है, और 2 और 3 ही पे 2 मिथाइल्स भी लगे हुए हैं, -2,3 डाई मिथाइल, और ये कंपाउंड बेसिकली आपके पास ब्यूटेन है,
ठीक है, तो 2,3-डाईक्लोरो 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन, आपके पास यूं इसका नाम आ जाएगा। एक हम लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। लेट्स से आपको कुछ ऐसे गिवन है, CH3 होल ट्वाइस, CH सिंगल बॉन्डेड विद CH2 सिंगल बॉन्डेड विद CH3 होल ट्वाइस एंड अ क्लोरीन ओवर हियर। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप देखो, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखो, ये आपके पास CH3, इसके ऊपर दो लगे हुए हैं और एक इसके साथ H है ये वाला, और आगे चेन कंटिन्यू हो रही है, एक CH2 है उससे आगे एक और चेन कंटिन्यू हो रही है, और इसके ऊपर दो CH3 लगे हुए हैं ऊपर और साइड पे। ठीक है, अब आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन में आइडेंटिफाई इसकी करता हूँ, इसकी लॉन्गेस्ट चेन यूं स्टार्ट हो रही है और यूं आप इसकी चेन लेके चलोगे। ठीक है, और अब इस पे आप नंबरिंग करके देख लो, नंबरिंग मैं इस साइड से स्टार्ट करूंगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, टू लोकेशन के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है और एक क्लोराइड लगा हुआ है, एक मिथाइल और एक क्लोराइड, और इसी तरह फोर लोकेशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है एंड दैट इज इट। तो दो दफा मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक दफा क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इसको यूं सॉ लिखूंगा, टू लोकेशन पे एक क्लोरो है तो 2-क्लोरो, ठीक है, और फिर एक हाइफन लगा के दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक 2 पे और एक 4 पे, तो मैं लिखूंगा 2,4-डाई मिथाइल, और बेसिकली ये 5 कार्बन्स की चेन है तो ये एक पेंटेन है। ठीक है, तो 2,4-2,4-डाई मिथाइल पेंटेन इस अल्काइल हेलाइड का नाम हो गया, और ये आप नोट कर सकते हो कि ये आपके पास एक सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, बल्कि एक टर्शरी अल्काइल हेलाइड है, टर्शरी अल्काइल हेलाइड है। ठीक है, बिकॉज ये जो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये वाला कार्बन फर्दर आपके 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला केस था, इसमें ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आपके पास एक टर्शरी की एग्जाम्पल है, ये वाली जो सिचुएशन है ये एक प्राइमरी की एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये वाली जो सिचुएशन है आपके पास, ये एक प्राइमरी की सिचुएशन है, और ये वाली जो सिचुएशन है ये एक सेकेंडरी की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी क्लासिफिकेशंस भी कर सकते हो और आप इनको नाम भी दे सकते हो। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अल्काइल हेलाइड्स के प्रिपरेशन के मेथड्स डिस्कस करेंगे, अल्काइल हेलाइड्स के प्रिपरेशन।